हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु E&I। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फ्यूज क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। इसको हम फ्यूज को जो है कहाँ कहाँ यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं, इस वीडियो से हम पूरा डिटेल्स पे आज समझने वाले हैं। व्हाट इज फ्यूज? दोस्तों फ्यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है, यानी कि दोस्तों ये यूज फॉर सेफ्टी बोथ ह्यूमन एंड इक्विपमेंट, यानी कि दोस्तों इंसान के सेफ के लिए और इलेक्ट्रिकल कोई भी इक्विपमेंट चल रहा हो उसके सेफ के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं, ताकि कोई भी कंडीशन पे जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसी कंडीशन पे क्या होता है दोस्तों, हमारा इक्विपमेंट जो भी चल रहा होता है वो उसको कोई भी बिना डैमेज हुए फ्यूज जो है वो कट जाए और उस कंडीशन पे हमारा जो इक्विपमेंट जो है वो सेव हो जाए, उसके लिए हम फ्यूज को यूज करते हैं। दोस्तों फ्यूज क्या होता है? दोस्तों ये वन टाइम यूज के लिए है। अगर कभी भी फ्यूज कट जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, दूसरा रिप्लेस करके नया फ्यूज लगाते हैं। लेकिन आपने सुना होगा, MCB देखा होगा जो कि होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और रिसेटेबल डिवाइस है, जैसे कि उसको हम अगर कभी भी अगर ट्रिप होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे तो उसको हम दोबारा से ऑन कर सकते हैं। दोस्तों MCB और फ्यूज के अंदर डिफरेंस जानने के लिए आप ये ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको फ्यूज का जो देखते हैं हम, टाइप ऑफ फ्यूज जो है कितने टाइप्स के होते हैं। फ्यूज फ्यूज जो दोस्तों होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो आएगा दोस्तों ये होगा आपका लो वोल्टेज फ्यूज होगा, और दूसरा जो है दोस्तों ये है हाई वोल्टेज फ्यूज। दोस्तों लो वोल्टेज पे जो आता है फ्यूज जो यूज किया जाता है उसको रीवायरेबल फ्यूज कहा जाता है, यानी कि दोस्तों ये जो है इस पे वायर लगा हुआ रहता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों पे यूज होते हैं वायर टाइप, जिसको अगर कभी भी अगर फ्यूज कट जाता है तो हम दूसरा वायर उसको लगा के फिर से उसको लगा देते हैं फ्यूज को। और दोस्तों हाई वोल्टेज पे जो होता है दोस्तों कार्ट्रेज टाइप फ्यूज जो होता है दोस्तों पूरा पैकिंग में आता है। मैं आपको दिखाता हूं उसका जो कैसा होता है ये दो फ्यूज, यानी कि ये दोस्तों जो होता है सील टाइप में आता है, पूरा पैकिंग में आता है, सील रहता है। इसको हम जैसे वायर मतलब लगा नहीं सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। एक बार अगर जैसे कट गया तो उसको रिप्लेस करके नया ही लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो मैं दिखाता हूं आपको, ये जो है ये कार्ट्रेज टाइप फ्यूज है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है, ये HRC फ्यूज है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है HRC फ्यूज। तो दोस्तों ये क्या होता है फ्यूज, इसको अगर कभी भी अगर ये फ्यूज अगर खराब हो जाता है तो इसको हम न्यू रिप्लेस करते हैं, इसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कार्ट्रेज टाइप जो है फ्यूज, इसपे भी दो टाइप का आता है। ये जो सील टाइप है इसपे जो है ये टोटल सील है, और एक दोस्तों आता है ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये ग्लास टाइप है। ग्लास टाइप यानी कि इसपे कुछ फिल नहीं है, अंदर पे सिर्फ एक वायर है जो कि ये लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे यूज किया जाता है। यहाँ पे आपका लिखा होगा इसका जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है 500 mA के लिए ये यूज किया जाता है, 250 वोल्ट यानी कि 220-250 वोल्ट तक हम इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसको जो है ये थोड़े ज्यादा वोल्टेज पे यूज किया जाता है, इसका जो है सील टाइप में इसका हम ST पे ही यूज कर सकते हैं इसको। इस टाइप का जो फ्यूज होता है इसको हम हाई वोल्टेज ST पे भी यूज करते हैं, ज्यादा रेटिंग्स के होते हैं। ये जो है दोस्तों इसका जो रेटिंग्स है ये 415 वोल्ट का है, यानी कि LT के लिए है, और ये 2 एम्पियर का है। ये जो होता है दोस्तों ये HRC फ्यूज कहते हैं इसको, यानी कि ये टोटल सील है। तो इसका अंदर क्या होता है दोस्तों, इस पे जो ये फ्यूज है, मान लीजिए ये एक फ्यूज है इसका, तो इसके अंदर पे जो है वायर है ये तो कनेक्ट हुआ है, लेकिन बाकी जो साइड पे है, बाकी साइड जो फिलअप किया जाता है सेरामिक या फिर सिलिका जेल से ये जो है ये फिलअप किया जाता है, और उसके बाद इसके ऊपर से मेटल से इसको सील किया जाता है।
तो दोस्तों ये जो कैटरेज टाइप फ्यूज और ये जो रिवायरेबल फ्यूज जो होता है, इसके बीच डिफरेंस क्या होता है आप तो समझ गए होंगे। रिवायरेबल फ्यूज जो होता है वो घर पे यूज करते हैं, हम उसको दोबारा वायर लगा के उसको फिर से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कैटरेज टाइप फ्यूज जो होता है ये दोस्तों ज्यादा सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। इसको दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसपे जब फ्यूज जो जब कटता है जब फ्यूज जब कटता है तो वहां पे दोस्तों एक स्पार्क होता है, और स्पार्क से क्या होता है दोस्तों वहां पे आग लगने के चांसेस होते हैं ज्यादा। तो दोस्तों इसको हम उसके लिए उस टाइप का नहीं, हम रिवायरेबल फ्यूज जो है वो यूज नहीं करते हैं, हाई वोल्टेज पे यूज करते हैं एचआरसी फ्यूज। दोस्तों एचआरसी फ्यूज पे टोटल डिटेल्स पे बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसपे आप एचआरसी फ्यूज के बारे में पूरा डिटेल्स पे आप जान पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप फ्यूज के बारे में जो थोड़ा बहुत आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। और भी कुछ डाउट होते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल E&I चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।